अब प्रभुपाद जी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु आए किस काम के लिए? वो आए थे मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का आशीर्वाद देने के लिए। इसका मतलब कृष्ण विज्ञान, प्रभुपाद जी कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के इस शिक्षा को कहते हैं कृष्ण का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान और कृष्ण प्रेम का विज्ञान। तो चैतन्य महाप्रभु मानव समाज को कृष्ण का विज्ञान, कृष्ण प्रेम का विज्ञान का उपहार अथवा एक आशीर्वाद देने के लिए आए थे। महाप्रभु राधा रानी के रंग और भाव को लेके प्रकट हुए थे। और यहां पहले इसको प्रभुपाद जी कह रहे हैं चेतना महाप्रभु देने आए थे कृष्ण का विज्ञान का आशीर्वाद। और कृष्ण विज्ञान में विशेष बात क्या है? कृष्ण के लीलाएं, कृष्ण के प्रेम के अंतर्गत मुख्य बात क्या है? राधा कृष्ण का माधुर्य प्रेम लीला का, यह है सर्वश्रेष्ठ कृष्ण विज्ञान की परिकाष्ठा। चेतन महाप्रभु राधा के भाव और रंग को लाकर, कांति, कांति का मतलब उनका रंग गोरा था, उसमें आए थे और उसी के भाव में आए थे। और वो कौन है? राधा रानी गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को, वो कृष्ण भावना अमृत संघ है, उसको अगर हमको समझना है तो हमारे को गोस्वामियों के चरण चिन्हों में चलना पड़ेगा।